भाई अभी रूम के कुछ हालात ऐसे हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, होप कि आपको हमारे जो ट्रैवल सीरीज है, मोटो व्लॉग्स हैं, पसंद आ रहे होंगे। तो भाई हर वीडियो आपने करनी है लाइक, बढ़िया सा करना है कॉमेंट और चैनल को कराना है सब्सक्राइब। घर पे फैमिली मेंबर्स, दोस्तों सबके साथ अगर उनको राइडिंग का, ट्रैवलिंग का शौक है। तो भाई तो मैं अभी सारा सामान सूख रहा है क्योंकि कल सब कुछ भीग गया था, पानी हो गया था, ऊपर से नीचे हो गया था और कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या था। चिन्याली जगह थी, यहाँ पे एक जगह देखी, होटल लिया और रुक गए। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:20 और हम निकलने के लिए तैयार है, बट उससे पहले करेंगे पेट पूजा। एक नुकसान भी हो गया, हेलमेट का इंटरकॉम हो चुका है खराब, आलसपन में ट्रैवल बोरियत से होगा क्योंकि पहले सिद्धू मूसे बोले के मुंह से चलती थी, एपीटी लॉन्च चलता था, अब कुछ नहीं चलेगा, अब सिर्फ आरले की आवाज चलेगी। तो खुद ही जाना पड़ेगा, हमारा बजट है भाई। ये देखना रूम का क्या हाल मचाया, वहाँ सामान, इधर सामान, उधर सामान, उधर सामान, और यहाँ ये सिर्फ बेड पे मेरा सामान है और किसी का सामान नहीं। सही बात है, कपड़े भी सूख रहे, रात में भी सूख रहे। हाँ जी सर, क्या हाल है? एक मिनट कुछ कम नहीं होगा और करो यार, एक मिनट में क्या होता है, कुछ ना होने वाला। बाकी भाई खाना बहुत जबरदस्त था, रात को शूट कर नहीं पाए बट बहुत अल्टीमेट। अगर मेरे को नाम पता चला इस होटल का, ढाबे का, जो भी है, एक्चुअली नीचे ढाबा है, ऊपर होटल है, नीलकंठ नाम है, चिनियारी में भाई, नीलकंठ ढाबा, उसके ऊपर ये होटल है और चिन्याली में पड़ता है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर गूगल लोकेशन में ले पाए तो जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आओ सपोर्ट करो, रुको, घूमो फिरो, मौज करो, खाना बहुत टेस्टी है। तो अभी मैंने फिर बोल दिया मम्मी को रायता चाहिए कल वाला। हाँ चलो भाई, मैं तो चल रहा हूँ, वो कौन सा है हेरा फेरी में मेरी। तो ये दिखाते हैं कि बाहर का सीन है क्या है भाई। अभी तक बारिश हो रही है, सामने व्यू देखो, यहाँ पे हमने लगा दी थी बाइक, ये रही मेरी बाइक, अमृत भाई की, विजय भाई की, उसू की और मेरी बाइक, और अभी भी बारिश रुक नहीं रही। और जहाँ पे हम रुके थे वो है चिन्याली सोड़, और होटल का नाम है होटल नीलकंठ, नीचे ढाबा है, ऊपर होटल है, बहुत ही डिसेंट रूम है, काफ़ी बढ़िया रूम है, और 1200-1500 में मिल गया, डबल बेड दो लगे हुए थे। तो भाई राइडर हो और कभी यहाँ इस रूट पर फंसे हो तो यहाँ पर रुक सकते हो, पर्सनल सजेशन है, काफ़ी बढ़िया जगह है, आओ यार इन लोगों को सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन लोगों को टूरिज़्म की। टूरिज़्म पे ना बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं, टूरिज़्म की वजह से काफ़ी बिजनेस रहता है, तो टूरिज़्म तो रहा नहीं लॉकडाउन के बाद। तो भाई जो भी है, जैसा भी है, आओ घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, इनको सपोर्ट करो। फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद करते हैं राइड स्टार्ट। भाई पहली बार गोप्रो पे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, रात को लाइट नहीं थी तो कुछ चार्ज नहीं हो पाया। गर्मा गर्म परौंठे, साथ में हमारा रायता, जो कि भैया को मैंने बोला था कि ऐसा बनाते हैं ना सुबह सुबह। चलो भाई परांठे खा लो, परांठे परांठे। तो फुल गियर्ड अप, राइडर वाली लुक, कमेंट करके बताना कि भाई आपको ये जो गियर्स हैं कैसे लग रहे हैं। बाय द वे नए गियर्स भेजे मेरे को राइनॉक्स ने, तो थैंक यू सो मच राइनॉक्स गियर्स, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने भेजे, विदिन एक दिन में मेरे पास आ गए थे। तो राइड पर जाना था तो एकदम से याद आया कि यार राइडिंग गियर्स तो मेरे ख़राब हो रखे थे, क्योंकि जब ले राइड में क्रैश हो गया था तो सारे राइडिंग गियर्स क्रैश हो गए थे, पैंट तो ऑलमोस्ट घुटनों से फटी गई थी बट मैं बच गया था, और जो ग्लव्स थे इनके उसने मेरे को बचाया नहीं, तो मेरे पाम्स पूरे स्क्रैच्ड हो जाते और बहुत सारे स्कार अभी भी रह जाते। बट एनीवेज बाइक कर दी हमने लोड, सारे हो चुके हैं रेडी, ये कुछ सेटअप है अपनी बाइक का, और थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं, और यहाँ पे यार हीटर्स ने ऐसा काम कर दिया कि मेरा मीटर है ना पूरा क्रैक सा कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने या तो पत्थर या तो चाबी ऐसे ज़ोर से रगड़ी है और बाइक ख़राब करने की कोशिश करी है। फाइनली धूप निकल चुकी है, कल इतना कॉन्टीन्यूसली बारिश में राइड कर रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था, व्लॉग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाया। तो अभी गोप्रो का लगा देते हैं हेलमेट के ऊपर और करते हैं आज की व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट, और होप कि आपको हमारा उत्तराखंड का टूर पसंद आएगा, केदारनाथ का प्लान है, और अगर ऐसी मौसम ख़राब चलता रहा तो लगता नहीं कि हो पाएगा क्योंकि आज रास्ते बंद हैं, तो ऐसा हमने सुना ढाबे के ओनर से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, वाहेगुरु मेहर करना। तो आज की जो हमारी राइड रहने के लिए है वो एक हरसिल नाम की जगह तक रहेगी, लगभग 5 आवर्स की राइड है, यहाँ से गुजरे दोपहर के 11:10। रोड देखो, और यहाँ पे ना बाइक ऐसे खतरनाक तरीके से स्लिप होती है ना, मेरे को इसके अंदर ना कुछ ऐसे अच्छे टायर्स डालने हैं जिससे ना पानी पे स्लिप ना हो, क्योंकि कल मेरे को थोड़ा फील हुआ तो
तो टायर स्लाइड हो रहा है थोड़ा। अभी तो इसके अंदर MRF के टायर्स लगे हुए हैं एंड कोई अच्छे ब्रांड के मेरे को डालने पड़ेंगे। ये तो स्टॉक मेरे को जब मैंने बाइक खरीदी तब मेरे को लगे मिले थे। बारिश में टायर स्लाइड होता तो थोड़ा यार डर सा लगता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए बाइक। ऑल्दो बाइक बहुत अच्छी है, चलने में बहुत मज़ा आ रहा है और अब तक हम लगभग 450 किलोमीटर की राइड कर भी चुके हैं दिल्ली से। ऐसी एरिया था कल भी, पत्थर ऐसे लुढ़कता लुढ़कता आया और बिल्कुल इंचेस से बचे हम। भाई गड्ढों से बचना है भैया। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना इस बाइक पे, तो कल एक जोर से पत्थर लगा तो जो रेडिएटर का कवर होता है ना प्लास्टिक वाला, वो एक जगह से क्रैक हो गया। बड़ा दुख हुआ मेरे को, लगा तो था कुछ प्लास्टिक टूटने की आवाज़ आई है, फिर जब होटल के बाहर जाकर चेक करा तो छोटा सा उस प्लास्टिक में कवर था। बट चलो कोई नहीं, नया लगवा लेंगे। इसमें एक्चुअली बैश प्लेट लगवानी पड़ेगी, अगर इसकी बैश प्लेट आती है ना तो ज़रूर मैं लगवाऊंगा, नहीं तो खुद फैब्रिकेट करके लगवाऊंगा, नहीं तो जो चेसी जो मेन चेसीज हैं ना वो स्क्रैच होती रहेंगी, तो फिर उसका पेंट उतरेगा, फिर वहाँ पर रस्टिंग होगी। तो इससे बढ़िया मैं खुद ही फैब्रिकेट करा के एक बैश प्लेट लगवा लूँगा, क्योंकि दिल्ली में कई स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं जो बहुत ऊँचे ऊँचे हैं तो वहाँ पर भी ना कभी कभार टच हो जाती है क्रॉस कराने पर, तो मैं तो बहुत धीरे धीरे लेके जाता हूँ। काफिराना क्या खूबसूरत जगह, आवाज सुनो गाइस कितनी तेज आ रही है। अच्छा काम अच्छा नाम BRO। ओ नो, पैरों का हुआ बुरा हाल, सुरक्षित काले मेरे गाल, मिट्टी ने किया कमाल। ओ भाई सारे कपड़े फिर भी यार, फाइबर कनेक्शन बैठा है यार, तो सब मिलेगा। तुम कहाँ जाना है? गर्तंकी के लिए नहीं, घूमने जा रहे हैं बाइक पे सिर्फ। वो ऋषिकेश में कहा था, हमने कहा था जा सकते हो, बैठे थे कहीं चैन से, जाना तो कहीं है नहीं, जाने देंगे भी नहीं। तो भाई मजाक चढ़ गया, अभी थे हम उत्तरकाशी के अंदर। केदारनाथ का प्लान कैंसिल होता हुआ दिख रहा, क्योंकि हमें बोला गया था ऋषिकेश में कि अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन था तो आप कहीं भी फ्रीली जा सकते हो, बट केदारनाथ के लिए आपको पास चाहिए, जो कि आपको केदारनाथ की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है वहां से मिलेगा। जो मूड की डिपेंडेंसी थी ना वो बिल्कुल खत्म। हेलो मनाली चलना है? चलो मनाली भाई, मोड़ दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे चेक पोस्ट था, अगर इसी केस में अगर वो कहते ना कि भाई बनवा लो तो बनवा लेते, हमें क्या था, वहाँ तो बैठी थे एजेंट, बनवा लेते हम। हमें तो यही बोला था कि ऋषिकेश में क्या कहते हैं कि आप डबल वैक्सीनेशन है, जाओ जाओ को जाओ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ई पास, हमने कहा ई पास तो नहीं है, हमने ई पास अप्लाई करने की कोशिश करी, वो होटल की बुकिंग मांग रहा। अब हमें तो पता ही नहीं कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि कल भी हमने सोचा था कि यहाँ तक आ जाएंगे, बट लैंड स्लाइड और बारिश की वजह से हम आ नहीं पाए आगे। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आए हो तो हम कर देते हैं एंट्री, अब जा रहे हैं आगे। यहाँ से सर वो है कितना वैसे? थोड़ा आगे जाओ ना, 60 किलोमीटर 60 ठीक है, 60 ठीक है, धन्यवाद। तो 60 किलोमीटर बाद है हर्षिल, उसके बाद है एक जगह जहाँ पे हमने घूमने जाना है। ओ भाई कितने प्रेशर से पानी आ रहा है उधर, कितने जोर से पानी गिर रहा भाई साहब। हाँ डैम है यहाँ पे,
एक और लैंडस्लाइड। तो आओ जरा आपको नीचे का व्यू दिखाएं। अगर ये हरियाली हटा दी जाए तो पूरा स्पीति वैली टाइप ही लगेगा, जैसे स्पीति वैली में होता, पूरे रेतीले पहाड़, कोई ग्रीनरी नहीं, और सेम ऐसे रिवर बहरी होती है। तो देखो यार क्या व्यू है ना सामने, मतलब यहाँ से अगर हम इसकी फ़ोटो खींचे तो कितनी ज़बरदस्त वैली की फ़ोटो आएगी। तो जी क्या हाल है? बढ़िया। हमारी निराशा से मूड बिल्कुल खराब हो रखा था, चक्की गिरने जा गई थी। अभी हम हरसिल से 20 किलोमीटर दूर है भाई, तुमने रोक दिया। मैं तो भाई ऐसा है, खाते पीते चलना चाहिए, ऐसे खाली पेट क्या करना है। लेकिन मुझे इस बंदे से शिकायत है, ध्यान इधर इधर दिखाओ, ये बंदा जब भी कीचड़ दिखता है पता नहीं इसे क्या हो जाता है, आगे पीछे वाले को नैना देता है ना पूरा। भाई सही बताऊ ना तो एक्सपर्ट के यही मजे है, लगेज है नहीं, लाइट बाइक है, स्लश में डालो कुछ ना होता है। जूतों का क्या, बॉडी कंट्रोल भी अच्छा है बाइक का। अच्छा है, देसी खाना, मैगी वैगी में विश्वास नहीं रखते। मैं तो मैगी खा। ये घास की बिछा रखी है भाई रोड पे। वाओ, अरे क्या व्यू है बॉस, वहां से पूरा पानी बह के आ रहा है और ये लैंडस्केप इतना जबरदस्त लग रहा है ना। ये तो भाई बिल्कुल फोटोजेनिक प्लेस है भाई, एक फोटो तो बनती है इधर। भाई साहब क्या जगह थी ना, बहुत ही अच्छी यहाँ पे फुटेज निकाली है हमने। तो भाई लाइक करना, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, यहाँ पे हैंडल लिखा रहा होगा @BTRLux। बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमने रील डाली है, नंबर प्लेट पे तो ऐसे सीमेंट सा जम गया, कोई दिख ही नहीं रहा। भाई तो मैं परफॉर्मेंस अपग्रेड्स तो मैंने इसके अंदर कर रखे है, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, स्प्लिट फायर लगा हुआ है, रेडियम स्पार्क प्लग लगा हुआ है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे हरसिल, बहुत ही खूबसूरत जगह है हरसिल। अरे वाह क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। रुक जा भाई धर्मेंद्र, आप भैया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हरसिल, सारी बिल्डिंग कलर देखो एक जैसे है, येलो, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रैफिटी करी हुई है उधर भी और इस बिल्डिंग के पीछे में भी है। राइड करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, ठंडी बहुत थी तो मैंने कहा आज रुक जाते हैं, कल चलेंगे गरतंग की गली और सारा शूट वहीं करेंगे। कल का प्लान ये है कि सुबह सुबह जाएंगे गरतंग गली और बढ़िया से आप सभी लोगों को दिखाएंगे। बाकी गरतंग की गली आप गूगल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और बढ़िया से दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, रील में दिखाएंगे। और ये भाई होटल ले लिया हमने, बहुत बढ़िया सा। तो अभी जस्ट सो के उठे हैं, टाइम हो रहा है 8:12। कितने बजे पहुंच गए थे हम यहाँ पे? 5:30 के आसपास पहुंच गए और भाई मस्त 2-2.5 घंटे की नींद ली, उसके बाद ठक ठक गैंग ने दरवाजा खटकाया और हमें चिली पनीर दे गए। वाओ बढ़िया है भाई साहब, इतना बदन टूटा, इतना शरीर टूटा, मैं क्या बोलूं। और अगर मैं ये फ्लीस ना कैरी कर रहा था ना तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता। बाकी भाई टेस्टी बहुत है, और ये हमारा रूम है बहुत ही शानदार, और जो बाकी गैंग है वो आगे वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, 1 डबल बेड लगा हुआ है, 1 सिंगल लगा हुआ है, तो तीनों वहाँ पे, हम 2 यहाँ पे। अभी हम थे हरसिल में, कल जाने का प्लान है गरतांग की गली। गरतांग की गली अगर आपने नहीं सुनी तो आप गूगल आउट कर सकते हो, वहाँ पे हम जाएंगे और बहुत अच्छा वीडियो बना के लाएंगे। तो तब तक के लिए सी यू गाइस।